हेलो दोस्तों, वापस स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फिर से साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, जो है ई सिम कार्ड क्या होता है, ये कैसे काम करता है और ई सिम के क्या फायदे हैं। जब भी हम कोई फोन खरीदते हैं तो उसमें सिम कार्ड जरूर डालते हैं, क्योंकि बिना सिम कार्ड के न तो हम फोन से कॉल कर सकते हैं, न ही मैसेज भेज सकते हैं और न ही इंटरनेट सर्विस का बेनिफिट उठा सकते हैं। ऐसे में सिम कार्ड बहुत जरूरी है, लेकिन अब हमें फोन में सिम कार्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फोन के अंदर पहले से ही ई सिम इंस्टॉल की हुई आएगी, जो बिल्कुल एक फिजिकल सिम कार्ड की तरह ही काम करेगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये ई सिम क्या है, ये कैसे काम करती है, साथ ही इसे एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने का प्रोसेस क्या है और ये फिजिकल सिम कार्ड को किस तरह रिप्लेस करेगी। अगर आप इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। इसमें मैं आपको ई सिम से रिलेटेड सारी जानकारी दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आगे भी आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड दो वीडियोस इस चैनल पे डालता ही हूँ, और मैं अपने एक वीडियो में किसी भी एक टॉपिक को डिटेल से समझाता हूँ, उस टॉपिक से रिलेटेड मैं कंप्लीट जानकारी देता हूँ। चलिए अब मैं आपको ई सिम के बारे में बताता हूँ। शुरुआत में हम मिनी सिम कार्ड का इस्तेमाल करते थे, लेकिन समय के साथ सिम कार्ड का आकार छोटा होता चला गया और मिनी सिम से माइक्रो सिम और फिर नैनो सिम का चलन शुरू हो गया। लेकिन अब नैनो सिम कार्ड का भी एक छोटा रूप यानी कि ई सिम कार्ड आ गया है, जो कि एक वर्चुअल सिम कार्ड है। यह इस्तेमाल करने में काफी आसान और एडवांस्ड है। इस सिम कार्ड एक नई टेक्नोलॉजी है, जो कि फिजिकल सिम कार्ड की जगह लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। ई सिम का फुल फॉर्म है इम्बेडेड सिम, यानी कि इम्बेडेड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। यह दरअसल एक वर्चुअल सिम कार्ड है जो एक चिप के रूप में फोन के साथ एम्बेडेड होता है, यानी कि फोन के साथ ही जुड़ा हुआ होता है, या यूं कह सकते हैं कि वो एक फोन का ही हिस्सा होता है जिसे हम फोन से अलग नहीं कर सकते हैं। अभी तक जो हम फोन इस्तेमाल करते हैं उसमें एक सिम ट्रे होता है, जैसे आपका फोन अगर डबल सिम वाले हैं तो उसमें दो सिम के लिए जगह होती है और उसमें मेमोरी चिप लगाने की भी एक जगह होती है, इसे हम सिम स्लॉट या सिम ट्रे कहते हैं। लेकिन अब जो नए फोन आ रहे हैं उसमें ई सिम यानी सिम का जो ट्रे है वो एक चिप के रूप में एम्बेडेड होता है जिसे आप अलग नहीं कर सकते, वो फोन का ही हिस्सा होता है। और चूंकि ई सिम एक वर्चुअल सिम कार्ड है, इसलिए यह एक सॉफ्टवेयर की मदद से काम करता है। आसान भाषा में कहें तो ई सिम कार्ड फोन के इंटरनल स्टोरेज की तरह होता है। ऐसे में आप इसे एक फोन से निकालकर दूसरे फोन में नहीं डाल सकते हैं। अभी जैसे हम करते हैं, हमारा एक फोन है उसमें कोई सिम कार्ड लगा हुआ है, तो हम उस सिम कार्ड के ट्रे को निकालते हैं फोन से और उसी सिम को दूसरे फोन में डाल देते हैं, क्योंकि उस फोन में भी सिम ट्रे होता है, और इससे हम इजीली एक ही सिम को चाहे तो दूसरे मोबाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि ई सिम के साथ ऐसा नहीं है, यहाँ आपको सॉफ्टवेयर की मदद से पहले एक फोन में डीएक्टिवेट करना होगा और दूसरे फोन में एक्टिवेट करना होगा, तभी आप ई सिम को दूसरे फोन में इस्तेमाल कर पाएंगे। 2023 में एप्पल के आईफोन 15 सीरीज के प्रो मॉडल बिना सिम कार्ड स्लॉट के आ सकते हैं। एप्पल कंपनी सिम स्लॉट के बजाय ई सिम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रही है, यानी कि आईफोन 15 के प्रो मॉडल में हमें ई सिम कार्ड देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ हमारे देश के जो पॉपुलर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, ये लोग भी ई सिम का फीचर देने की तैयारी में हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ई सिम कार्ड कैसे काम करती है। जब आप कोई ई सिम वाले फोन खरीदते हैं तो उसमें मौजूद ई सिम पूरी तरह खाली होता है। ऐसे में उसे एक्टिवेट करने के लिए आपको जो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे एयरटेल हो या फिर जियो हो, उनसे कॉन्टेक्ट करना पड़ता है।
सर्विस प्रोवाइडर आपको एक QR कोड देता है जिसे स्कैन करते ही आपके फोन में मौजूद eSIM कार्ड एक्टिवेट हो जाते हैं। उसके बाद आप सारी फैसिलिटीज का लाभ उठा सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस में आपको कम से कम 2 घंटे का समय लगता है। आपको बताना चाहूंगा कि इस समय भारत में सिर्फ 2 ही सर्विस प्रोवाइडर एयरटेल और जियो हैं जो कि eSIM का फीचर कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी टेलीकॉम कंपनियों के पास अभी ये सुविधा नहीं है। हालांकि वो भी इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं और जल्द ही वो अपने कस्टमर के लिए भी अपना ये फीचर लाने वाले हैं। चलिए अब मैं आपको eSIM के कुछ फायदे के बारे में बताता हूँ। eSIM को अगर फ्यूचर की टेक्नोलॉजी कहें तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि आने वाले समय में हर स्मार्टफोन में सिर्फ eSIM ही देखने को मिलेगी। सबसे पहला फायदा है eSIM का स्पेस सेविंग का। अभी जो वर्तमान में हम फोन इस्तेमाल करते हैं उसमें एक डेडिकेटेड सिम कार्ड ट्रे होता है जिसे हम सिम स्लॉट कहते हैं, लेकिन eSIM की वजह से डिवाइस में अलग से सिम कार्ड स्लॉट नहीं देना पड़ेगा। इससे जगह की बचत होगी और इस बची हुई जगह को दूसरे महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। eSIM का दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है वो है ये eSIM एंटी थेफ्ट होगा। eSIM कार्ड वाले फोन की न तो चोरी हो सकती है और न ही ये फोन गुम हो सकता है। दरअसल चोर जब फोन चुराता है तो वो जो सबसे पहला काम करता है सिम निकाल कर तोड़ कर फेंक देता है, जिससे हमारे जो पुलिस है वो उसे ट्रेस नहीं कर पाते, इस वजह से वो पकड़े नहीं जाते। लेकिन जब eSIM कार्ड वाले फोन का इस्तेमाल होगा तो हम उसे ट्रेस कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ है, और इससे चोर को पकड़ना आसान हो जाएगा। eSIM का तीसरा सबसे बड़ा फायदा है वो है कि बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अगर एक्सपर्ट की माने तो eSIM फिजिकल सिम से ज्यादा सिक्योर है। जैसे अभी जो हम इस्तेमाल करते हैं सिम, वो एक नैनो सिम होता है। जब आप चेंज कर रहे होते हैं सिम कार्ड को या आपने कहीं उसे रख दिया तो उससे गुम होने का खतरा बना रहता है। लेकिन जब eSIM पूरी तरह ऑनलाइन है, वो एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से चल रहा है, तो उसके चोरी का खतरा या फिर उसका गुम हो जाने का डर नहीं रहता है। कुल मिलाकर eSIM के कई सारे फायदे हैं, लेकिन eSIM के एक नुकसान भी है। दरअसल इसे एक फोन से निकालकर दूसरे फोन में नहीं डाला जा सकता है, क्योंकि ये फोन के साथ जुड़ी हुई होती है। ऐसे में अगर आपका फोन बैटरी लो होने की वजह से बंद होने वाला है और आप चाहते हैं कि सिम कार्ड निकाल कर दूसरे फोन में डाल लें ताकि आप अपने जरूरी कॉल मैसेज को मिस न कर पाए, तो ऐसा नामुमकिन है। अभी जो हम करते हैं, हमारे एक फोन में कोई सिम लगा हुआ है और वो फोन डिस्चार्ज होने वाला है, तो हम दूसरे फोन में डालकर वो सिम इंटरनेट सर्विस और कॉल का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन जब आप eSIM वाले फोन रखते हैं तो आपको पहले एक फोन से डीएक्टिवेट करना होगा, फिर दूसरे फोन में आप एक्टिवेट करना पड़ेगा, और इसमें आपको काफी टाइम भी लग सकता है। इसलिए कहा जाता है कि eSIM का ये एक सबसे बड़ा नुकसान है। हे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अभी तक मैंने जो भी आपको eSIM से रिलेटेड जानकारी दी है आप समझ गए होंगे, और अगर फिर भी आपका eSIM से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। मैं अपने इस YouTube चैनल पर इसी तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस और सोशल इश्यूज से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। अगर आप इन टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए, जहां मैंने बहुत सारे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपके साथ फ्री में शेयर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं आगे भी ऐसे ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।